वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त सुफैद। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्या आपको क्रेटा फेसलिफ्ट लेनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर आप क्रेटा फेसलिफ्ट को लेना चाहते हो तो पहले ही आपको पेट्रोल वाले मॉडल के साथ 3 महीने की वेटिंग फेस करनी पड़ेगी एंड वही डीजल वाले मॉडल के साथ आपको 4 महीने की वेटिंग फेस करनी पड़ेगी। एंड आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आपको क्रेटा फेसलिफ्ट में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है एंड वही दूसरी कार जो इसके कॉम्पिटिशन में आती है, जैसे कि आप किया सेल्टॉस ले लो, नेक्सन ले लो, टोयोटा हाइराइडर ले लो, ग्रैंड विटारा ले लो, स्कोडा कुशाक ले लो, जो इनकी कंपटीशन है उनमें आपको क्या अलग मिलता है। वेल, अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो इसमें आपको वैसी काफ़ी चीज़ें मिलती है जो दूसरी कार्स में नहीं मिलती एंड वैसी चीज़ें मिलती नहीं है जो दूसरी कार्स में आपको मिलती है। वेल, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है जो क्रेटा फेसलिफ्ट को ओन करना चाहते हो, क्योंकि भाई आप 15 से 20 लाख किसी जगह लगा रहे हो तो वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, मिस इस वीडियो का कोई पार्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक पार्ट भी मिस करोगे तो आपके लिए फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना, शुरू करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को। तो पहले अगर हम देखें कि क्रेटा फेसलिफ्ट में आपको क्या कुछ मिलता है जो कि क्रेटा फेसलिफ्ट में अब आपको नया मिलेगा, तो पहले ही अगर आप इंटीरियर की तरह देखोगे तो आपको इंटीरियर में पहले ही टच स्क्रीन एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इकट्ठे देखने को मिलेगा, मतलब पियर देखने को मिलेगा। एंड ऐसा ही आपको सेटअप कुछ किया सेल्टॉस में भी मिलता है। लेकिन अगर मैं आपसे फ्रैंकली कहूँ तो इस कार की फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू किया सेल्टॉस। एंड वही आपको इस कार में जो एसी कंट्रोलर्स है वो आपको दूसरी जगह देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जगह देखने को मिलेंगे, जो कि लाइन क्रो ड्राइवर सीट पे आती है, फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन को पेयर करती है एंड फिर वहाँ से ड्राइवर सीट से निकलती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। एंड अगर आप सेंटर कंसोल की तरह नज़र डालेंगे तो एज पर रूमर्स इसमें आ रहा था कि सेंटर कंसोल में अब आपको एसी के कंट्रोल्स टच पे देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैन्युअली आपको एसी के कंट्रोल्स एंड दूसरी चीज़ें आप कर सकते हो, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि जो टच पे होता है वो फिर 3-4 महीने बाद ख़राब होता है एंड मैनुअली बेस्ट रहता है। एंड इस यही कुछ चेंजेस आपको इंटीरियर में देखने को मिलेंगे एंड दूसरी कार में आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, सेल्टॉस में आपको पीआरएड स्क्रीन देखने को मिलेगी, मतलब इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, लेकिन इसमें पॉइंट में ज़्यादा दूंगा क्योंकि फिट एंड फिनिश अच्छी है। तो अगर आपको ऑटोमेटिक एंड आईएमटी ट्रांसमिशन चाहिए तो भाई क्रेटा आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी है, क्योंकि इस कार में मिलता है लेकिन फीचर्स एंड उसमें इंजन अंडररेटेड पावर कम मिलता है। क्रेटा उन लोगों के लिए बनी है जो मैनुअल के मज़ा लेना चाहते हैं एंड मैनुअल आप अच्छे से इसमें ले सकते हो, लेकिन एएमटी एंड ऑटोमेटिक के लिए ये ठीक नहीं है, आप सेल्टॉस पे स्विच कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा जो सेल्टॉस या दूसरी कार्स का बेस मॉडल होता है उसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं मिलती है, डब्बा जैसा मिलता है, लिटरली सेल्टॉस में डब्बा मिलता है, उसमें आप ब्लूटूथ भी कनेक्ट नहीं करवा सकते। लेकिन इस कार का अगर आपने बेस मॉडल देखा होगा, मैं पुराना स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो बेस मॉडल भी कितना ज़्यादा प्रीमियम लगता है, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इसके लिए मैं आपको 10 पॉइंट्स दूंगा कि आपको बेस मॉडल ही खरीदना चाहिए। टॉप मॉडल पे आपको अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेस मॉडल को खरीदने की है तो भाई बेस्ट है, बेस मॉडल आप खरीद सकते हो। इस कार को क्रेटा को बेस्ट टॉप मॉडल भी करवा सकते हो एंड इस कार में आपको उतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, मतलब अगर आप बेस मॉडल को भी लेते हो तो भाई बेस्ट टॉप आराम से हो जाएगा। बट आप बोलोगे यहाँ पर कि फिर सेल्टॉस में आपको क्या मिलेगा, भाई सेल्टॉस में आपको प्लस पॉइंट टर्बो में देखने को मिलता है। अगर आपको टर्बो इंजन लेना है तो सेल्टॉस पे आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि जो क्रेटा है उसमें आपको खाली SX ऑप्शनल में टर्बो इंजन देखने को मिलता है, वही सेल्टॉस में आपको 2-3 जगहों पे आराम से टर्बो का ऑप्शन मिलता है, मतलब 2-3 वेरियंट्स आराम से उन पे रखे गए हैं। एंड अब लास्ट में बात करते हैं कि भाई किन लोगों को क्रेटा फेसलिफ्ट लेनी चाहिए। तो पहले ही जो माइलेज ढूंढते हैं, मैनुअल कार चाहिए, फीचर्स ठीक ठाक चाहिए, क्रेटा भाई बेस्ट है, बेस मॉडल क्रेटा का लो, माइलेज मिलेगी, फीचर्स भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे एंड एक्सटीरियर भी वैसा ही देखने को मिलेगा। इसकी अच्छी खासी बात है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर सेम ही देखने को मिलेगा, बस कुछ फीचर्स कम किए जाएंगे। अगर आप CVT लेना चाहते हो तो बेस्ट है आपके लिए क्रेटा, आप क्रेटा पे स्विच कर सकते हो। एंड अगर आपको बेस्ट टॉप मॉडल करवाना है तो फिर आपके लिए क्रेटा अच्छी है। तो ये 4-5 पॉइंट थे कि क्रेटा किन लोगों को लेनी चाहिए। तो जो बेस मॉडल ले रहे हैं क्रेटा, उनके लिए बनी है,
जो मैनुअल लेना चाहते हैं क्रेटा उनके लिए बनी है, लेकिन जो टर्बो लेना चाहे क्रेटा उनके लिए नहीं बनी है, क्योंकि इसमें टर्बो में एक ही आता है, वो अब तक फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या कर सकते हो। तो यही था कुछ क्रेटा के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।